हेलो वेलकम गाइस टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंडरस्कोर बाबोसा। हंसते हंसते नमस्ते, लेकिन आज ये नमस्ते हंसते हंसते नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज ये हंसते हंसते हो, क्योंकि आज जैसा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कानपुर जू है। जैसे मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूँ, अभी बस पार्किंग में मैं पहुँचा था और मैंने अपनी गाड़ी लगाई, क्योंकि काफ़ी फेमस है यहाँ का जू। और जैसे कि अभी मैं व्लॉग्स अपने बना रहा हूँ वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर बना रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि एक बार कानपुर जू को दिखाइए, वहाँ कौन कौन से शेर बंद हैं, काफ़ी फेमस शेर भी यहाँ बंद हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग जू के अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन तभी एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने आज पूरा हिला दिया मुझे, और मतलब बहुत ही शॉकिंग, एकदम सदमे में आ गया। और फिर मैंने सोचा कि अभी कानपुर का जू का ब्लॉग हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता, अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ मैंने अपना एक ब्लॉग डाला था अलविदा T83, जो कि लाइटनिंग हम लोग के साथ नहीं रही थी, तो काफ़ी फेमस लीनियज की एक टाइग्रेस थी जो नहीं रही थी। और आज ऐसा हुआ है कि T104 के बारे में बताना चाहूँ, उसकी खबर आई है कि आज वो नहीं रहा हम लोग के बीच, और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मैं बोलना चाहूँगा राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, यही शब्द है मेरे लिए, उनको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन सिर्फ यही शब्द है कि टोटली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि T83, मैं कहता हूँ चलिए आया न्यूज़ में, FD वालों ने फॉरेंसिक्स करी कि वो बीमार थी, उसके पेट में आत में रुकावट आ गई थी, एक बच्चा उसका पहले ही मर चुका था, ठीक है मान लिया। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, वो जो था वो बीमार थी, उसका ट्रैंकुलाइज किया गया ट्रीटमेंट के लिए, मान लिया कि वो जस्टिफाई है, लेकिन जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो T104 जिसका नाम था ब्लू आइड मेल, जो कि प्रॉपर 6 से 7 साल का था, मैन ईटर था, इसलिए उसको बीड़ इंक्लोज़र में रखा गया था, बीड़ पुलिस चौकी इंक्लोज़र, वहाँ पर उसको पिछले 2 साल से था, बहुत बढ़िया से था, आराम से था, कोई बीमारी नहीं थी, अच्छी तरह ग्रो कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और उसको एकदम से कैसे डिसाइड किया कि हमें उसको ट्रांसफ़र करना है उदयपुर। क्यों उदयपुर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो डिसाइड किया गया कि उदयपुर क्यों ट्रांसफ़र करना है, तो आइए इसके बारे में आपको कुछ मैं बताता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि उदयपुर ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों सोचा गया, तो अब इसमें अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं, तो आपने उस्ताद का नाम सुना होगा, मैं काफ़ी बार अपने हर व्लॉग में उस्ताद बोलता हूँ, तो उस्ताद के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, और नहीं पता है तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए, नहीं तो अमेज़ॉन प्राइम पे मूवी है उस्ताद, आप उसको देखो। तो उस्ताद एक्चुअली उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के इंक्लोज़र में बंद था, और अभी कुछ महीने पहले दिसंबर जनवरी में वो नहीं रहा, क्योंकि बोन ट्यूमर हो गया था और ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसकी एज भी हो गई थी तो वो नहीं रहा, बीमारी से ग्रस्त था, तो उसका इंक्लोज़र हो गया था खाली, ठीक है उसका इंक्लोज़र खाली हो गया, वेल एंड फाइन, ठीक है खाली हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ठीक है वो इंक्लोज़र खाली हो गया, तो वो इंक्लोज़र खाली हो गया तो इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप जो T104 एक दूसरे शहर में, जिसका रोड से डिस्टेंस 8 से 10 घंटे और ट्रैफिक को तो 12 घंटे है, वहाँ से आप उसको बाय रोड ट्रांसफ़र कर रहे हो सिर्फ इसलिए, ये रीज़न दे के कि वो इंक्लोज़र खाली हो गया था। तो आज जो हुआ इससे तो ये होगा कि आपका सज्जनगढ़ वाला भी इंक्लोज़र खाली हो गया, और आज आपका तालड़ा रेंज में जो भीड़ चौकी पे इंक्लोज़र था वो भी खाली हो गया। तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करा क्या, मतलब आपने एक इंक्लोज़र भरा नहीं, आज आपने जो एक्ट किया आपने अपने 2 इंक्लोज़र खाली कर दिए, और ये कितनी बड़ी क्षति है, इसके लिए कोई आंसर देगा, जवाब कौन देगा? मुझे नहीं लगता है कि मेरे पूछने से कोई जवाब दे देगा। हो सकता है कि आप इसको लाइक करो, आप इस चैनल को मत करो सब्सक्राइब, मैं नहीं कहता इस व्लॉग के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन इस व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी वाइल्ड लवर्स हैं या जिनकी बात सुनी जा सकती है एटलीस्ट उनके सामने आए कि ये टोटली एक डिजास्ट्रस एक्ट है जो आज हुआ। अब ये हुआ कैसे, एक इंक्लोज़र जो खाली था वो आज दोपहर होते होते 2 इंक्लोज़र्स कैसे खाली हो गए, तो ये खाली हुए कैसे, मतलब ये T104 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्लू आइड मेल, वो आज कैसे मरा, ठीक है। तो एक बाघ जो हंसता खेलता 4-5 साल का बाघ, जो पिछले 2 साल से भीड़ चौकी इंक्लोज़र में बंद, जिसको कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, तो उसके साथ आज ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ इसको देखिएगा कि क्या इन लोग ने किया। हुआ यूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि इसको उदयपुर
8 मई को जो गवर्निंग अथॉरिटी है NTCA उसने ऑर्डर्स पास किए कि आप इसको T104 को आप शिफ्ट कर सकते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि उदयपुर में। ठीक है, अब वहाँ की पूरी टीम आई, सज्जनगढ़ की पूरी टीम आई वहाँ के, उनके साथ उनके वेटरनरी डॉक्टर्स थे, वो सुबह यहाँ पहुँचे 10-11 बजे। अब 10-11 बजे ठीक है पहुँचे, अच्छी बात है पहुँच गए, उसको शिफ्ट करना था, वेल एंड गुड, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि 10-11 बजे उन्होंने कैसे ये डिसाइड किया, मुझे नहीं पता है, कि जहाँ पर आपको पता है कि राजस्थान के बारे में सब जानते ही हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी का टाइम चल रहा है, मई का महीना है, और मई में वहाँ पर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है 40-45 डिग्री होता है और ये 48 तक भी जाता है। वहाँ पर 10-11 बजे जब टेम्परेचर वैसे ही हाई है, उसको उतने हाई टेम्परेचर में उसको ट्रैंकुलाइज किया, ठीक है ट्रैंकुलाइज भी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, या जो लोग रहते हो राजस्थान में या जो भी जानते हैं वहाँ के बारे में, कि सवाई माधोपुर से उदयपुर का जो रोड डिस्टेंस है लमसम 400 किलोमीटर का है। अब 400 किलोमीटर को बाय रोड ट्रैवल करने में कम से कम आप मान के चलो 6-7 घंटा, और अगर ट्रैफिक है और जैसे कि कार से नहीं जाएगा ट्रक में ही जाएगा तो वो स्पीड नहीं मिलेगी, तो वो अपनी स्पीड पर चलेगा ट्रक, तो मिनिमम आप मान के चलो कि 9-10 घंटे उसको लगने ही लगने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, ट्रैंकुलाइज वाली बात हम अलग रखें, कि इतने दूर एक शहर से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसके लिए आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी, जबकि इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा देती है बाघ संरक्षण अभियान में, आपको करना था आप उसको एयरलिफ्ट करते, ठीक है नहीं किया एयरलिफ्ट, हो सकता है आपने बेटर समझा जो लोग वहाँ थे कि हम बाय रोड ट्रांसफ़र करेंगे। सुबह 10-11 बजे जब टेम्परेचर हाई है उस समय उसको ट्रैंकुलाइज करना, ट्रैंकुलाइज करके होते होते 12 बज गया होगा, 12 बजे फिर उसको ट्रक में लोड करना और फिर उसको उदयपुर के लिए ले जाना, तो उस समय टेम्परेचर आप खुद सोच सकते हो कि 12 से 2 के बीच का जो पीक टाइम रहता है, आप किसी भी शहर में हो इंडिया में अगर नॉर्थ में, तो नॉर्मली 42-43 डिग्री आपको होता है, और ये हम राजस्थान की बात कर रहा है जहाँ नॉर्मल ये टेम्परेचर है, तो आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया, ट्रैंकुलाइज करके 11-12 बज गया और 11-12 बजे इन्होंने ट्रक में लोड किया, लोड करके उसको ये लोग रवाना हुए लेके। अब आप सोचिए, अगर एक मैं ये बोलूँ कि एक इंसान या मैं ही मुझे ही बेहोशी का इंजेक्शन दे के एक बंद ट्रक में इतनी गर्मी में अगर मुझे ट्रांसफ़र किया जाए तो मेरा क्या हाल होगा, मैं तो डिहाइड्रेशन ही से नहीं रहूँगा, इतनी गर्मी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो ये कैसे डिसाइड किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर उनको ये चीज़ करनी थी, क्योंकि वो तो आराम से रह रहा था ना इंक्लोज़र में, उसका था पूरा, उसका टाइमिंग था, जंगल में तो ऐसा होता है कि चलो जानवर रात को एक्टिव होता है, वहाँ तो भाई उसका पैटर्न फिक्स है, रात को क्या करना, उसको शिकार तो करना नहीं, खाना मिल ही रहा है, तो आप उसको रात को ट्रैंकुलाइज करते, आप रात को ट्रैंकुलाइज करके उसको रात को लोड करते, ना ट्रैफिक मिलता, ठंडे ठंडे में वो ट्रांसफ़र होता, सुबह वो 6-7 बजे वहाँ पहुँच जाता, इसमें क्या दिक्कत थी। अब इसमें क्या दिक्कत थी ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। अब ये हुआ कैसे, मतलब कैसे मर गया, क्यों मर गया, अब ये सवाल होता है कि चलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई उसको रोड से किया, ये हुआ। आप सोचो, एक बाघ कच्चा मीट खाता है ना, ये सबको पता है, और कच्चा मीट कितना गर्म होता है, 250 किलो का जानवर जो कच्चा मीट खाता है उसको पचाने के लिए भी कुछ लगेगा ना। अब आप समझिए कि वो 250 किलो का जानवर एक क्लोज कंपार्टमेंट में, लोहे का जो कि कंपार्टमेंट है, क्योंकि ट्रक तो लोहे का होता है, आपको ये भी पता है कि जब इतनी गर्मी है, डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की, तो वो और तपेगा और वो कहीं ना कहीं जाके पूरा ओवन का रूप ले लेगा। यही होता है ना, हम गाड़ी में बैठते हैं, अगर हमारी गाड़ी कहीं खड़ी हो जाए 3 घंटा चलते चलते बिना एसी और बंद शीशे, जहाँ पर कोई हवा का आने और जाने का प्रबंध ना हो, तो क्या हालत होगी, एक अच्छा खासा आदमी इतना बीमार पड़ सकता है कि उसकी जान पे आ जाए। तो ये सुनने में आया कि ये इन्होंने शिफ्ट 8 मई की जैसे बात बताई कि इन्होंने बोला कि रात को ये वहाँ पहुँच गए। अब जब ये रात को वहाँ पहुँचे उस दिन की कोई खबर नहीं, अगले दिन 9 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करता है कि T104 नहीं रहा, उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये तो बनता है सवाल, क्योंकि जो 2 साल से अच्छी तरह रह रहा था, जब उसको ट्रैंकुलाइज किया गया वो अच्छी कंडीशन में था,
कोई बीमारी नहीं थी, तो ऐसा क्या हो गया 10-11 घंटे में कि वहाँ पहुँचते पहुँचते और अगले दिन सुबह ये खबर दे रहे हैं कि वो नहीं रहा। अब इसकी भी आपको मैं खबर बताता हूँ या बताना चाहूँ जो इन्होंने सुबह डिक्लेयर किया। सज्जनगढ़ में काम करने वाले लोग जो कि वहाँ जो काम करते हैं उनके सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं हवाबाजी नहीं, कि जब वो रात को वहाँ पहुँचा तो उनका ये कहना है कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। अब हालत अच्छी नहीं थी इससे कुछ क्लियर नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ मुझे तो लगता है कि रात को ही नहीं रहा वो, हमें तो विश्वास ही नहीं रह गया ना। अब भाई आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि एक अच्छे खासे जानवर को आप उठा रहे हो और जो आपने अपनी SOP डिसाइड करी वो टोटली फेल हुई, और रात को जाके जब रात को वो वहाँ पहुँच गया तो आप कह रहे हो कि उसकी हालत नहीं सही थी और सुबह आप बोल दे रहे हो कि भाई वो नहीं रहा। तो मैं तो यहाँ भी एक क्वेश्चन खड़ा करता हूँ कि वो रात को नहीं रहा कि सुबह नहीं रहा, इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। और ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जो बाघ संरक्षण अभियान है उसके अंतर्गत ये ऐसी इतने बड़े बड़े गलतियाँ हो रही हैं, और नहीं भी गलती हो रही है मैं कह रहा हूँ, तो एटलीस्ट इस तरह की SOPs कभी फॉलो मत करिए कि आप भद्दर गर्मी में एक जानवर को बंद ट्रक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको करना था, आप उसको अच्छी तरह एनालाइज करते, आप उसकी R&D करते, आपको इतना पैसा मिलता है, NTCA इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा देता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कैसे इतना लाइटली इसको ले सकते कि एक बाघ मर गया। ये एक बाघ नहीं मरा है, अगर हम सेंसिस करेंगे तो एक हफ्ते में 2 बाघ मरे हैं। आप इसका एक अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना गंभीर विषय है, और अभी उस्ताद नहीं रहा तो सेंसस कहाँ जा रहा है बाघ्स का, हमें बढ़ाना है और ये सब हरकतें हो के वो कम हो रहा है। तो ये मेरे व्यूअर्स आप ही लोग डिसाइड करिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स से ये बस चाहूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस व्लॉग के लिए मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन बस मेरा ये वीडियो आप शेयर करो लोगों में ताकि लोगों को पता चले ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि बच्चा इंसान का हो या जानवर का भूखों नहीं मरना चाहिए, और बच्चा इंसान का हो या जानवर का इस तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए। हम भी उन्हीं से हैं और वो हमसे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों के पास ये चीज़ जाए, लोग आवाज़ उठाएं। मैं जितना कर सकता उतना मैं कर दिया है, मैंने आपके सामने चीज़ ला दी है। अब इसको आगे बढ़ाना और लोगों के कान तक डालना, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे जवाब चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है कि आप अब इस व्लॉग का क्या करेंगे। थैंक यू, बस यही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। और बहुत बहुत दुख हुआ आज ये सुन के T104, क्योंकि ये शब्द नहीं है, आप जो भी समझें, लेकिन ये बस मेरा एक उसको श्रद्धांजलि है ये व्लॉग उस T104 के लिए जो उसके साथ आज ऐसा कुछ हुआ। थैंक यू।